अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कसूरी व्लॉग के साथ हमारा सफ़र जारी है और आज हम चलते हैं एक और सफ़र पर। रूटीन वर्क से थक चुके हैं और रिलैक्स होना चाहते हैं। लाहौर से 70 किलोमीटर डिस्टेंस पर राणा रिजॉर्ट वाक़िया है, जो कि एक तफरी मुकाम है। यहाँ पर हेड बल्लों की भी है, आप फिशिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही आप हेड बल्लों की क्रॉस करेंगे, राणा रिजॉर्ट उसके अकब में वाक़िया है। राणा रिजॉर्ट एक फैमिली पार्क है, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए बोटिंग और हॉर्स राइडिंग सब कुछ मिलता है। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्क में एंटर होने के लिए आपको 250 रुपये का टिकट लेना होगा। टिकट दिखाकर एंटर हो जाएं। हम जैसे ही एंटर हुए तो हमें ढोल वाले ने वेलकम किया। ढोल वाले से थोड़ा आगे बढ़े तो ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ पर मोर भी मौजूद हैं, जो आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं। वाइट कलर के मोर भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इंतहाई खूबसूरत हैं। इसी दौरान नमाज का टाइम हो गया और हम नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे। स्टे विद अस। नमाज हमने पढ़ ली है और अब राणा रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। ये आप एक बड़े लॉन का नजारा देख सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टॉयलेट का बेहतरीन इंतजाम है लेडीज और जेंट्स के लिए। ये मजीद आप परिंदे देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, बच्चों के लिए यहाँ पर झूले मौजूद हैं।
वहाँ पर हॉर्स को देखकर हमने सोचा क्यों ना हॉर्स राइडिंग कर ली जाए। YouTube पे चेक करना आप कसूरी व्लॉग। हाँ ये आप देख सकते हैं लंदन बस रेस्टोरेंट है, इसमें आप बैठकर खाना खा सकते हैं जो एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। और पान शॉप भी मौजूद है। यहाँ पर आप जंपिंग और जिप लाइन को भी एंजॉय कर सकते हैं। जंपिंग का टिकट 200 रुपए है जबकि जिप लाइन आप 50 रुपए में कर सकते हैं।
इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक जाने के लिए ये गधा गाड़ी, ऊंट कैमल और घोड़ा घोड़ा गाड़ी भी मौजूद हैं। जो साउंड की धुन के साथ आपको इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पर लेके जाएगी। जब आप नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे तो रास्ते में आपके लिए एक बेहतरीन टनल मिलेंगी। जब आप नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे तो आपको रास्ते में बेहतरीन टनल मिलेंगी जो बांसों की मदद से बनाई गई हैं और अब एक कुदरती शेप इख्तियार कर चुकी हैं। साया भी होता है वहाँ पे और ठंड का एहसास भी होता है। अगर शदीद गर्मी हो तब भी आपको ठंडक महसूस होगी। बोटिंग के दो पॉइंट हैं, आप चाहें तो एक जगह कर लें बोटिंग, दो जगह भी कर सकते हैं, दोनों का अपना नज़ारा है। यहाँ पर आपको ऑस्ट्रिच भी मिलेंगे यानी कि शतुरमुर्ग। हमने सोचा क्यों ना इनको खाना खिलाया जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो और इसमें फराहम की गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो हमारे सफ़र में हमारे साथ रहें। साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हम और मज़ीद मालूमात आपको फराहम करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।